नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद से ज्योतिष के हल इस चैनल पर आपका स्वागत है। धन समृद्धि बैलेंस के योग आपका लग्न क्या कहता है? तो दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में किस तरह से धन संपत्ति के योग हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में धन संपत्ति सुख वैभव कार बंगला बैंक बैलेंस से ही आपकी समृद्धि को देखा जाता है और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में यह धन संपत्ति और बैंक बैलेंस देखा जाता है। बैंक बैलेंस धन संपत्ति को संचित धन कहा जाता है। यह संचित धन आधुनिक काल में बैंक या डाकघर में एफडी के रूप में या शेयर के रूप में या गोल्ड या प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है। धनवान होने के लिए जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का शुभ होना और द्वितीय का शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना जरूरी माना गया, तभी उक्त धनवान स्थिति बन सकती है। इसी तरह एकादश भाव का संबंध द्वितीय भाव के साथ शुभ होने पर जातक के पास बहुत ही अधिक मात्रा में धन संपत्ति का योग माना जाता है। यहां हम लग्न के अनुसार कुछ योग बताने जा रहे हैं जो कि हमारे ज्योतिष मर्मज्ञों ने अपने अनुभव से देखे और जाने हैं। वे योग हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आप जरूर धनवान और किस्मत वाले हैं, और यदि आपकी कुंडली में ये योग हैं और आप धनवान नहीं हैं तो जरूर कुछ रुकावट आ रही होगी, उसे देखकर दूर किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न की कुंडली को। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो यह स्थिति धन संपत्ति और बैंक बैलेंस की सूचक है। दूसरा, द्वितीय भाव में मेष लग्न के द्वितीय भाव में शुक्र का होना ससुराल से भी धन लाभ की प्राप्ति को दर्शाता है। तीसरा, मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र के साथ यदि मंगल हो तो ये स्थिति भी अच्छी धन संपत्ति और बैंक बैलेंस की सूचक है। ऐसा जातक अपने प्रयासों से धनवान होता है। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में बुध हो तो यह स्थिति जातक के लिए अच्छी धन संपत्ति बैंक बैलेंस की सूचक है। दूसरा, वृषभ लग्न की कुंडली में बुध और गुरु यदि लग्न भाव द्वितीय भाव पंचम भाव या ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो जातक के पास अच्छा बैंक बैलेंस धन संपत्ति होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है, वृषभ लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में या प्रथम लग्न भाव में शुक्र और बुध एक साथ हो तो यह दोनों की स्थिति धन संपत्ति का सूचक होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र स्वग्रही होकर जातक पर भरपूर कृपा करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा की युति हो तो ये दोनों की स्थिति जातक के लिए अच्छी धन संपत्ति बैंक बैलेंस के सूचक होती है। दूसरा है, मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का सूचक होती है कि कभी धन अच्छा आएगा और कभी जाएगा, अर्थात कभी कोष खाली रहेगा और कभी भर जाएगा, धन का स्थायित्व नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रमा चंचल प्रकृति का होता है। तो दोस्तों,
अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में हम पहले बात करेंगे एकादश और लग्न भाव की। लग्न भाव में सूर्य और चंद्रमा। कर्क लग्न में सूर्य और चंद्रमा प्रथम भाव या एकादश भाव में एक साथ हो तो जातक अपने कर्मों से अच्छा बैंक बैलेंस और धन संपत्ति बना लेता है। दूसरा, कर्क लग्न की कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो जातक को अपने पूर्वजों से अच्छी खासी धन संपत्ति नगदी प्राप्त होने की संभावना रहती है। तीसरा, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य के साथ यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो तो जातक के पास अच्छा बैंक बैलेंस और धन संपत्ति होती है। चौथा, इसी तरह यदि कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य के साथ यदि शुक्र प्रथम पंचम और एकादश भाव में हो तो जातक के पास अच्छा बैंक बैलेंस और धन संपत्ति होती है। ऊपर दिए गए विश्लेषण के अनुसार यदि उपरोक्त योगों को अशुभ ग्रह सप्तम अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी प्रभावित करते हैं तो धन की कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस भाग में हम सिर्फ चार लग्न की बात करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लग्न कुंडली के विश्लेषण के अनुसार यदि आप अपनी कुंडली में इन योगों को देखते हैं और यदि आपके पास में धन संपत्ति का अभाव है तो इसके उपाय किए जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अतः अभी लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।